ये बोल हमारी राज्यसभा में क्या हो रहा है? लबरे आपके दरबार में मनोरंजन हो। राम चौधरी, तुझे इसे नहीं मालूम कि ये राज हवेली है। राज हवेली साले कोई पैसा का कोठा समझाए क्यों? नहीं ठाकुर साहब। हराम जग ठाकुर साहब, ये साले रियासत किसकी है? आपकी। और तू किसका पालतू कुत्ता है साले? आपके लंबरदारी मैं आपका कुत्ता हूँ। ये बोल, तेरा बड़ा वाला भाई किधर है? आप लंबे साहब बैठे, भैया को आवाज लगा रहा हूँ। तुरंत इसी वक्त आवाज लगा। आप बैठिए। देखे भैया, ये रहा सारा चढ़ाई माँ टिनिक 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 जुटा रहा हूँ और लंबरी आके बजा दे भिन्निक भिन्निक। देखो वाल लगा रहा हूँ भैया हो। अरे चीन देश से चला करोना आज का भैया करता हूं। आई बाप रे, आई बाप रे, क्या क्या हो गया? टूट गया। क्या टूट गया? हदगांव का टावर। क्या बे तुम्हारा माला ये बिथराए? कोई बात नहीं। अरे मालिक ये बोल साले, महाराज तू कहां से आ रहा है अंडा दे? और राज हवेली छोड़कर कहां गया था? अंडा दे गए सारे मुर्गी हो गया है। तेरी मुर्गा की क्या निकरगा? मुर्गा मुर्गी हो गया है। अरे मालिक मत, तुम का समझा तो मैं बार अंडा दिया थो का ऐसा 12 बजे से मो मेहरार दे। अरे मेहरार की बात हटाओ, 4 बजे से जब मोल लाउंडे स्कूल से आवा था 4 बजे से 6 बजे तक मोल लाउंडा अंडा दिया था। यानी साले मुर्गी की दुकान खोल रखा? हाँ मालिक, मुर्गी की दुकान धरे हैं। अब हैं रायपुर वाले पीपा के ठेका से पहुंच जात सागर भाई का ते दे यह तले अब एठो काट के दाइन दे। बस एठ तंदूरी और बची नहीं वो निकरे सारे। तू राज हवेली में नौकरी करता है? चल ले मालिक, चल ले, तुम जाना तो महंगाई कितनी और साले।
अंडे देने राज हवेली छोड़कर जाता है। मालिक पहले सुन ले, मैं तेरे कातिर साले, सुन ले, पूरी राज हवेली छोड़ देता हूँ मालिक, और तू साले सुन ले राज हवेली छोड़ कर, सुन ले सुन ले मालिक, सुन ले सुन ले, अंडे देने जाता है मालिक। अब तुम जाना तो महंगाई के आसमान छुए लेती घर मना ना, तो साले तुझे पैसा नहीं मिलता मालिक, फोक सुन ले सुन ले सुन ले, हम कहे थे ज्यादा साले सबसे ज्यादा तेरी तनख्वाह है, पहले सुन ले फिर भी साले हर सुन ले, हम दम साले रोता रहता है, हम कहे थे ज्यादा गुस्सा न तुम्हार दरिता भी हो तुम हो तो ही घंट काट ले हो मतलब नहीं समझो, आठ घंटा ड्यूटी करत हो ओ मत से मोल ले दो घंटा काट ले, सुन ले अरे दो घंटे काट ले छह घंटा तो बची हराम जादू, तुम लोग सियासत में रहकर महाराज अरे बहुत मौज करते हो क्यों, तुम मही कमारे तुम्हारे हैं मोरे छोटका वा कमारबो न की हो, तेरी इतनी बड़ी साले हिम्मत भाला मोरे छोटका वा का तुम हाथे लगा दे कि तू मुझे रोकेगा, मैं कहा तो भाला मार के दिखा दे और मार साले जी, इतनी बड़ी तुम लोगों की औकात बढ़ गई है, ओ भला अब की हाथ लगा, नहीं तुम भला अब किन हाथ लगा, भला लगा इन दे लगा दे लगा दे लगा दे, तेरी आई से के पास बोतल किस तरीके साले टांग दूंगा याद रखना, मौत का ही नाम ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह है साहेब, अच्छा ये बताओ है मुझको को मरवा हुआ है बताओ, ये साहेब जो तुम भाई से दिया रहा है एक लाख वाली, अच्छा ये कहा जा बता दीज महाराज जी से मदारू पी के बहनी बिटिया करियो गरियो, अरे हराम जादे बुला साले, अरे माले अरे चलो ठीक वो अपने अड्डे पर बैठ गा चलो हटाओ रहे दे लड़का, यही लड़काई कई डारा थे तेता नहीं गुस्सा राम बली मकात हो नान नान गदया नहीं फायदे में रहोगे, अरे तुम घबराओ ना तुम फायदे में रहोगे, इनका मैं सबका सोधिया दे हाँ धीरे धीरे, तुम्हें मालूम नहीं है आ? कि तुम किस रियासत में काम करते हो, ठाकुर धर्मेंद्र, अरे ये ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह का सुन ले रियासत है, ये ठाकुर है ये 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 रामगढ़ स्टेट में, इस रामगढ़ स्टेट में सिर्फ बोल बाला है तो ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह का, सुन ले रायपुर वाले रगहरा वाले ये ठाकुर है, मैं इनकी ठाकुर काल बनाने की जरूरत नहीं है साले, अरे हटा ये जनता हाँ हमारी जान है, ये जनता तुम्हारी जान है तभी तो हम जनता के भगवान है, राइट ये रामनगर स्टेट की जनता है,
हमारी पूजा करती है। पूजा ये पूजा करते हैं राम बली बताओ के कपेली ओई सला मैं का कौनो गुंडा करत हो तो या कई गोली में पुक्क से जीव निकाल ली खाली कहीं भर दे। इस राम नगर का जमींदार मैं हूँ जाओ जाऊंगा मैं करूंगा ठीक। राम बली बताओ तुझे मालूम होना चाहिए जी कि हमारी जमींदारी कहां से कहां तक है। कहां से कहां तक है ठाकुर साहब सुनो मेरी बात को ध्यान से बोलो। और यहां से भारत को सो तक जबे तारी हमारी जागीरों मेरी है इधर इधर पूर्व इधर पश्चिम तलक जागीर मेरी है और नजरी वो जमी तारी हमारी है नजरी नजरी शायद जहां तक वो जमी तारी हमारी पश्चिम चारों तरफ आपकी जिम्मेदारी ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह का बोल बोला है। ठीक कहते हैं ठीक कहते हैं ठाकुर साहब कि चारों तरफ आपकी ही जिम्मेदारी है। राम बली तुझे मालूम होना चाहिए क्या किस रामनगर में हम जमींदारों की चलती है। अंता कोई शख्स ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह से टकराने की कोशिश करता है तो उस राम जादे को ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह छीने नहीं देता है। अरे जो कोई आपको उठाता उसे छीने नहीं देते। राम बली तुझे मालूम है किस रामनगर में कुछ पूर्वजों से हमारे नियम चलकर आए हैं आने कुछ पुजरों और चल रहे हैं और चलेंगे। कैसा नियम कैसा नियम नियम यह है कि चौसठ ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह से नजर उठाने मिलाने की कोशिश करता है तो राम जादे की ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह आंखें निकाल लेता है। और दूसरा नियम यह है दूसरा नियम कि ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह से जो शख्स कर्ज लेकर और ना देने की बात करता है तो उस परिवार को ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह
तबाह ही मचा देता है। और तीसरा नियम यह है, क्या किस रामनगर स्टेट में जी, इस रामनगर स्टेट में, इस रामनगर स्टेट में जो पहल पेटी सबसे पहले गौना होकर आता है, जिस पहल पेटी का सबसे पहले गौना होकर आता है उसकी डोली उसके घर नहीं सीधा ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह के हवेली जाती है। और सबसे पहले सुहाग रात ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह मनाता है। हम तो सुन लिया, हम तो बियाह न करब, अपन नसबंदी करवाए ले, साले मेरे रहने मेरे साथ रहता है। नहीं ये बताओ बियाह हम करब, दुल्हन हमरा यहाँ सबसे पहले सुहागरात तुम मनाइयो, क्या काम तो नवा चाटब, साले सबसे पहले ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह मनाता है, बाद में जिसका माल है उसी का होता है। मिठाई को खा साले दुनिया की बांस अनुमत कर, खाटिया को बिछाओ, कौन बिछाएगा देख समझ गए, तुम्हें छोड़ाऊ को बिछाए साले, तुम जैसे कुत्ते किस लिए मैंने पाल रखा है, क्या पंच दोनों में खटियन वाले तो वही। हेलो या गए हमारे राम नरेश, राम नरेश टेलर क्या भौतर से, उनके तरफ से 11 रुपया रह गया, कहते सागर भाई 2 अंडा हम लोग भेज दी हो। अरे वो कहाँ सूट कही पाई, 11 रुपया दे रहे साले, मारूंगा एक क्लात, क्यों भौतर वाले कहाँ जाएगा, क्यों भौतर वाले याद रखा, क्यों भौतर वाले ने कह दे या मनार का मुर्गा के अंडे यही सूटो कही पाई हो। राम बली जाओ जी, तुरंत फोन करो मेरे यार धर्मू के पास, कहो कि तुम्हें मालूम है कि आज कितने दिन हो गया, 1 महीना कोई गांव की खबर नहीं मिली, किस रामनगर स्टेट में क्या हो रहा है, ठीक मैं अभी बुला, क्या नहीं अभी बुला रहा हूं, जाओ फोन लग, अच्छा मोबाइल ला, मोबाइल ये लो टच मोबाइल, अरे सारे दिन भर तो हिम्मत टच रहा था, मोरो आदत टच में खराब कर दी है। हाय लगाइए नंबर, का नंबर है, नंबर बताएं क्या, नंबर बताओ, लिखो लिखो 10:50 10:50 2 बरिया DAP 2 बरिया पोटास काबे, हाँ के सारे कौन नंबर आ, सोसाइटी का नंबर दिया थन का, लगा के चेक करिए ना इसको, भाग जा नहीं मारो सारे तो सोसाइटी फाट गई, साला का था 10:50 2 बोरिया DAP 2 बोरिया पोटास मारो सारे पूरे किरवा पोटास का तोरन ऊपर घुस जाए, साले मैं खुद लगा रहा, का नंबर है 96 5 95 92 छुआ के हटान, टर्न 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 टर्न, हेलो हेलो कौन है भाई, हेलो कौन बोल रहा है, जब देखा साले फोन लगा दे रहे, कौन है भाई, अभी साले पैर पे उल्टा टाइम दे बिसल लठ मारूंगा, भैया कहाँ का नंबर है तुझे पता नहीं है, मैं खागा कोतवाल से बोल रहा हूँ, काट 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 काट, लो कट गया, कहाँ पहल दियो 96 5 97 97 लगाई 97 वाला, ये कौन सा रे अनीता चौहान के लगे नहीं लग नहीं 76 में जमान तो ना हो दिया, लगाइए दूसर, रुक जा यार, 1 2 3 4 5 डारो लाल टीम
हेलो हेलो कौन भाई कौन बोल रहा है रामबली ये साहब बहुत बार जात है यार कदर रामबली बोल अरे हम रामबली बोल रहे हैं हेलो 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 रामबली रामबली बोल रहे हैं राज अरे क्या है तो फोन लगा रे अरे तुम्हारे दोस्त बॉयफ्रेंड ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह हवेली पे याद कर रहे हैं हमारे दोस्त हमें याद कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है हम आ रहा हूँ जल्दी आइए साहब मंदिर से मिलेगी तो बगदाद ना अजमेर ना कलियर से मिलेगी तो काबे से मिलेगी ना किसी घर से मिलेगी किसी घर से मिलेगी और खैराद कमली वाले तेरे दर से रामबली ने फोन किया है चल कर देखता हूँ क्या आखिर बात क्या है किसने फोन किया है नमस्ते गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग थैंक यू बीड़ी माची फेमस नहीं अब रात भर बीड़ी लगती है कैसे मांग मालिक क्यों है साहब पहले तूने नमस्ते नमस्ते उसके बाद बैटरी डाउन ये थैंक टू बीड़ी माचिस कहाँ जा रही है ये बीड़ी माचिस मालिक 24 घंटा लगती है तला जाओ तो बीड़ी खाना खाओ तो बीड़ी अरे हटा हटाओ मसल डाउन है एक पकड़ ले या वाले का एक पकड़ हाल 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 मालिक रामबली सबसे पहले सारी बातें हटाइए आपके दोस्त आपके बॉयफ्रेंड यानी आपके मित्र ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह आपको हवेली पे याद कर रहे हैं
बहुत अच्छी बात है। हाँ साहब जल्दी चलिए, चल मैं चलता हूँ। आइए वेलकम टू माई हवेली, आइए। ठाकुर साहब मेरे दोस्त, काओ धर्म जमींदार ठाकुर धर्मान प्रताप सिंह की जय। खुश रहा आवा आओ धर्मो। मेरे दोस्त बोल, आज मैं करीब एक महीने का अरसा बीत गया हवेली आने में असमर्थ रहा, तो इसलिए क्षमा चाहता हूँ मेरे दोस्त। लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अरे क्या कहना चाहता है बोल। तो क्यों बुलाया तेरा दोस्त हवेली में है, क्यों बुलाया तेरा दोस्त हवेली में है, और काम जो हो जरूरी से फरमाए। ये दोस्त आपका क्या फरमा बरदार है, हुक्म जो हो जरूरी सब बता। मेरे दोस्त बोल, क्या बात है मेरे यार, भुलाने का कारण जानना चाहता है तो सुन मेरी बात को ध्यान से। हेलो, या गए जिस बच्चे को मुंडन हुआ है, जिस बच्चे को मुंडन उसके आजी दुकानदार, दुकानदार जो भाई श्री बिंगरेट सिंगरेट केसर खाना हमारे बच्चे के आजी संपर्क करें, उनके तरफ से 11 रुपया आ रहा। कहते हैं खेल हमको बहुत अच्छा लग रहा, उनके तरफ से 11 रुपया आ रहा। पार्टी को शुक्रिया आज के लिए, धन्यवाद मेरे यार। दोस्त मन, मैं क्या देख रहा हूं कि या तू चुपचाप सन खड़ा है, और जब पहले कभी आता था तो तेरा चेहरा कलियों की तरह खिलता हुआ नजर आता था। मेरे यार इस रामनगर स्टैंड में तुझे कोई कुछ कहा, कोई तेरा कहना नहीं माना। अरे बाल मेरे यार उस
सलाम जादे का कर जीना नहीं मोहताज कर दिया। कुर्तन में प्रताप सिंह नाम नहीं मेरे यार, सुन मेरी बात को ध्यान से। अरे खड़ा सन के तू बता आज कर खबर गांव की सब सुना आज तर हकीकत सुना आ बता आज धर्म को।